हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास सेकेंड का पहला चैप्टर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो हेडिंग है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवल क्या होते हैं? द लेटर ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल। जो अल्फाबेट में जो लेटर ए ई आई और ओ और यू, ये सभी लेटर अल्फाबेट वॉवल्स कहलाते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू वॉवल कहलाते हैं, ये आपको याद करना होगा। और जो अल्फाबेट में बाकी लेटर छूट गए हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। द रिमेनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है, बाकी लेटर कौन कौन से छूटे हैं अल्फाबेट में? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन लेटर्स को छोड़ के बाकी जो लेटर छूटे हुए हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरलाइन द वॉवल एंड सर्कल कॉन्सोनेंट। वॉवल को अंडरलाइन करना है और कॉन्सोनेंट को सर्कल करना है। यहाँ पे मैंने पहले ही कर चुका है, राहुल, राहुल आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमने सर्कल कर रखा है। ए वॉवल है तो हमने इसको अंडरलाइन किया है। उसी तरह से एच भी कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है, और यू हमारा वॉवल है राहुल में। ट्री में क्या क्या कॉन्सोनेंट है और क्या क्या वॉवल है? तो टी और आर कॉन्सोनेंट है और डबल ई वॉवल है। फिश एफ आई एस एच, फिश एफ एस एच कॉन्सोनेंट है और आई हमारा वॉवल है। एम एन मंकी, एम एन के वाई, ये सभी वर्ड अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और ओ और ई वॉवल है। ठीक है, उसी तरह से हम इसकी वर्कशीट कर लेते हैं। राइट इन द करेक्ट वॉवल एंड कंप्लीट ईच वर्ड। यहाँ पे ऑप्शन में वॉवल्स दे रखे हैं ए ई आई और ओ और यू। ठीक है, इन अल्फाबेट्स में हमें, इन वर्ड में हमें डालने हैं। तो यहाँ पे स्लैश या फिर डैश पी पी एल ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। फिर यहाँ पे है एस डैश टी, तो यहाँ पे हमने ई लिखा है सेट। डी डैश जी, तो यहाँ पे ओ लिखेंगे तब जाके बनेगा डॉग। आर डैश डी ई रेड। बेंच बी डैश एन सी एच बेंच। वैन वी डैश एन ई, यहाँ पे हमने ई लिख दिया है। उसी तरह से बी डैश एस, इसमें हमने यू लिखा, क्या बन गया? बस। पी डैश जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई, क्या बना? पिग। इसी तरह से वर्कशीट आपने बच्चों को देते रहनी है। पी एल डैश वाई, तो यहाँ पे ए लगा देंगे तो प्ले बन जाएगा। आर डैश ए डी वाई, क्या बन गया? रेडी। यहाँ पे हमने ई लिख दिया। पी डैश टी, यहाँ पे आ जाएगा यू। ठीक है, यू की जगह आप ओ भी लिख सकते हो, पॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने यू लिखा तो ये पुट बन गया। वाई डैश एल एल डैश डब्लू, तो ई और ओ। ठीक है, ई और ओ को हमने फिल किया, क्या बन गया? येलो। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द वर्ड बिलो, राइट देयर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट इन द करेक्ट कॉलम। ये वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे वॉवल्स लिखने हैं और यहाँ पे कॉन्सोनेंट। इन वर्ड्स में जो वॉवल और कॉन्सोनेंट है उन्हें यहाँ लिखना है। तो ए कॉन्सोनेंट है तो हमने ए को यहाँ लिखा है। एल कॉन्सोनेंट है, यहाँ लिखा है। पी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट किस में लिख देंगे? एच कॉन्सोनेंट है, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उसी तरह से ए वॉवल है, बी भी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है और टी, टी भी कॉन्सोनेंट है। कंप्यूटर में सी कॉन्सोनेंट है, ओ को हमने वॉवल में लिखा है, एम कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट, यू वॉवल्स में लिखा है, यू वॉवल है, टी कॉन्सोनेंट है, ई, ई भी हमारा वॉवल है, आर कॉन्सोनेंट है। फिर आता है रेडी,
आर कॉन्सोनेंट ई वॉवल ए वॉवल डी कॉन्सोनेंट आई वॉवल एन कॉन्सोनेंट जी कॉन्सोनेंट। स्कूल में एस कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, डबल ओ क्या हो जाएगा वॉवल, एल हमारा कॉन्सोनेंट है। टेलीफोन में टी कॉन्सोनेंट ई वॉवल एल कॉन्सोनेंट ई वॉवल पी कॉन्सोनेंट एच कॉन्सोनेंट ओ वॉवल एन, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, ई हमारा वॉवल हो गया। चिल्ड्रन में सॉरी चल हाँ चिल्ड्रन सी और एच हमारा कॉन्सोनेंट है, आई वॉवल एल और डी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट ई वॉवल और एन, एन भी हमारा कॉन्सोनेंट है। प्ले ग्राउंड ठीक है, पी एल हमारा कॉन्सोनेंट है, ए वॉवल है, वाई जी हमारा कॉन्सोनेंट है, आर भी हमारा कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवल है, यू वॉवल है, एन कॉन्सोनेंट और डी हमारा कॉन्सोनेंट है। स्ट्रॉन्ग एस टी कॉन्सोनेंट है, आर आर भी हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमने आर नहीं लिखा आर ठीक है, ओ हमारा वॉवल है, एन कॉन्सोनेंट है और जी जी भी कॉन्सोनेंट है। ये तो ये हमारी वॉवल्स की वर्कशीट हो गई कंप्लीट। इसी तरह से आप बच्चों को ऐसी ही वर्ड्स दे सकते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पहचानने के लिए, ठीक है, आपको इस तरह की वर्कशीट उन्हें देते रहनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो हमारा ग्रामर का था, अगली क्लास में हम क्लास फर्स्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।